अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। समय समय पर छात्र एवं छात्राओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता हुआ आया है। विगत विषय समय में विश्वविद्यालय कैंपस महाविद्यालय महिला महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज में बहुत गंभीर समस्याएं व्याप्त हैं, जिससे छात्राएं गंभीर समस्याओं से जूझ रही हैं, मगर उनकी समस्याओं का किसी भी स्तर पर समाधान नहीं हो पाया है। अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस में दिया ज्ञापन। वहीं सभी शिक्षक संस्थान के बाहर एंट्री रोमिंग सिक्वर्ड व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने की मांग की। विश्वविद्यालय महाविद्यालय परिसर में सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन लगाई जाए व सभी कन्या इंटर कॉलेज में बाहर सिविल ड्रेस इसमें महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन दीजिए संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग है छात्राओं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महिला विंग द्वारा दिया गया है। छात्राओं ने अपनी सुरक्षा के लिए और व्यापक निगरानी के लिए कतिपय मांगों को रखा है, जो सक्षम स्तर पर परीक्षण करके कार्रवाई की जाए। कितनी मांग की गई है? मुख्य रूप से इनको सुरक्षा की भावना है और सीसीटीवी कैमरा लगाना, एनटीओ रोमी स्क्वाड गठित करना, ये सब 10 सूत्री माप ज्ञापन है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं सपना भदौरिया, ब्रज प्रांत की छात्रा प्रमुख हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। किस संबंध में ज्ञापन दिया? जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी करंट में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के समस्याएं हमें ध्यान में आती हैं। पूरे आगरा शहर की ऐसी जो समस्याएं हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हैं छात्राओं के, जो पीजी कॉलेज, उनमें बाहर पुलिस की कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है, तो वो जो छात्रा है बाहर निकलने में कतराती है, उसको डर लगता है कि कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ ना हो जाए बाहर। ऐसी कई मुद्दे हैं, 10-15 मुद्दे जो हमने डीएम सर को ज्ञापन दिया है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक ये है कि जो छात्राओं के कॉलेज हैं बड़े बड़े, उनमें सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगवाई जाए, जो कि छात्राओं के स्वास्थ्य के लेकर हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, ये हम हर यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं। इसी प्रकार से छात्राओं के जो स्क्वाड की व्यवस्था की जाए, महिला स्क्वाड की, एंटी रोमियो दल स्क्वाड लगाया गया है, उसकी व्यवस्था की जाए हर कॉलेज के बाहर, और हर कॉलेज में छात्राओं की जो टॉयलेट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। ऐसे जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनके सीसीटीवी की व्यवस्था की जाए बाहर, जो कॉलेज कैंपस के बाहर सीसीटीवी लगवाए जाएँ, ताकि छात्रा अगर निकले उनके उसके साथ कोई घटना होती कुछ भी, तो उस कैमरे में दिखाई दे सके। ऐसी जो प्रमुख समस्या है, उसको लेकर के हम लोगों ने सर को ज्ञापन दिया है। हम आशा करते हैं कि हमारी ये मांगें पूरी होंगी। मेरा नाम भावना सिंह, मैं विभाग छात्रा प्रमुख एवीपी। किस मैसेज आ जाए? लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।